भिंड में लहार नगर में वार्ड 15 स्थित मां रतनगढ़ देवी के मंदिर पर एक भक्त ने अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। नवरात्रि के मौके पर मंदिर में भक्त ने जवारे बोए थे। पंचमी की झांकी पर हवन करने के बाद भक्त ने अपनी आधी से ज्यादा जीभ काटकर देवी मां के मंदिर पर चढ़ाई। इस दृश्य को देखकर वहां पर मौजूद भक्त भी दंग रह गए। भक्तों ने बताया कि मंदिर में रतनगढ़ वाली देवी मां की प्रतिमा विराजमान है। पुजारी जय किशन ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर प्रांगण में नवदुर्गा के अवसर पर जवारे बोए गए थे। बीती रात पंचमी के अवसर पर जवारों की झांकी सजाई गई थी, जिसमें भक्तगण दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे थे। तभी मंदिर के पास ही रहने वाले रामशरण भगत ने जवारों के दर्शन किए और मंदिर में मां रतनगढ़ देवी की प्रतिमा के सामने अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। भक्त द्वारा लगभग 3 इंच से ज्यादा अपनी जीभ काट ली गई थी और मंदिर के सामने रखे खप्पर में खून भर दिया था। जीव चढ़ाने वाले रामशरण स्वस्थ हालत में मंदिर पर ही मौजूद हैं। लहार नगर में जैसे ही यह बात फैली, मंदिर पर लोगों का हुजूम उमर पड़ा। भिंड से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। तो पहले रात को 10 बजे करीब माता रानी दर्शन किए, झांकी ली। तो झांकी लेने के बाद वो आराम से अपने मंदिर में आए। इधर मंदिर में आए, उनकी भावना थी, विश्वास था, वो उनने आके अपनी मंदिर में अर्पित कर दी। अब क्या विचार है, क्या भावना, तो उन्हीं जाने, माता रानी की इच्छा है, उनकी इच्छा है, वो है। तो आराम से आए, उन्हें भैंस जिकड़ा दी। जिकड़ाने के बाद में आराम करते हैं। कोई वार्ड नंबर 15 में है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेट हुए। आदमी की मनोकामनाएं पूरी हो रही इस मंदिर पे, जो चीज़ कह जाते वो होती है। और रामबाबू मास्टर ने भी यहाँ घंटा चढ़ाया, आस्थाई से चढ़ाया। और भगत जी, रामचरण भगत जी है, इनने अपनी मंदिर पे जी चढ़ा दी। कोई आस्था है इनकी, काम हो रहा है इनके, इस वजह से इनने मंदिर पे जीप चढ़ाई है यहाँ।